Hello student, I am Pratik Bhandari. I am teaching in Sri Guru Krupa Vidya Sankul. I am your science teacher. So today we will discuss chapter 12, electricity. Now, तो आप सभी को पता ही होगा कि electricity जो है वो क्या है. Modern time के अंदर ये सबसे जरूरी है सभी के लिए. जितने भी industry है, school है या फिर world के अंदर जितने भी instrument है वो सब electricity के जरिए ही चलते हैं. तो चलिए दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डीपली डिस्कस करते हैं. तो चलिए आज इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम देखते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम. तो मैंने आपको फर्स्ट बताया वैसे ही कि इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न टाइम में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन अवर होम इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट. तो हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही वर्क करते हैं. इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरी है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चल रही है. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट यानी कि बहुत सारी ट्रांसपोर्ट सेवाएं जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चल रही है. आज तो बहुत सारे जो टू व्हीलर्स है या फोर व्हीलर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही वो हम चार्जिंग करके चलाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी यूज इन अवर होम. फॉर हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से वर्क करती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. जैसे कि लाइटिंग, ऑपरेटिंग फैन एंड हीटिंग. अदरवाइज हमें कपड़े प्रेस करने हो तो हम आयरन या हमें टोस्ट को मतलब कि वार्म करना है तो टोस्टर से हम वो कर सकते हैं. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज. तो आज हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करना है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बात करनी है एंड इलेक्ट्रिक करंट, और हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी देखना है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी वी शुड फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज. दिस इज डिस्कस बिलो. तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उसके बारे में बात करेंगे. वी विल ब्रिंग प्लास्टिक कॉम नियर सम वेरी टीनी पीस ऑफ पेपर. तो हम प्लास्टिक कॉम को अदरवाइज टीनी पार्टिकल्स जो पेपर के होते हैं, ठीक है, उसके पास हम लेके जाएंगे तो क्या होगा. इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देम. उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट. इफ हाउएवर द कॉम इज फर्स्ट रबेट. और उसके बाद हमें क्या करना है कि कॉम को रबेट करना है विद ड्राई हेयर, यानी कि हमारे जो ड्राई हेयर है उसके ऊपर रबेट करना है. एंड देन ब्रॉट नियर अ टीनी पीस ऑफ पेपर. और उसके बाद जो टीनी पीस है पेपर के उसके पास आप लेके जाओगे उसे तो क्या होगा. वी विल दैट कॉम नाउ अटैक द पीस ऑफ पेपर टूवर्ड इटसेल्फ. तब आप देखोगे कि कॉम जो है, ठीक है, वो टीनी पार्टिकल्स जो है पेपर के वो उसके ऊपर अट्रैक हो गए. ओके, दिस ऑब्जर्वेशन आर एग्जामिनेट बाय द सेइंग द इनर्सली ऑफ कॉम्प इज इलेक्ट्रली नेचुरल सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन टीनी पीस ऑफ पेपर. यानी कि फर्स्ट क्या हुआ था कि पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अदरवाइज हमने रब किया उसके बाद क्या होगा कि वो पेपर जो है, ठीक है, वो अट्रैक हो गया. वैन द कॉम्प इज रबेट विद द ड्राई हेयर देन गेट इलेक्ट्रिक चार्ज. क्योंकि आप कॉम को जब रब करते हो, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, राइट. This electrically charged comb exert a electric force on the tiny piece of the paper and attract them. यानी कि वो क्या करता है कि फोर्स लगाता है, ठीक है, टीनी पेपर को अपने और खींचता है, राइट, अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है. इसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइप एंड देयर प्रॉपर्टी, और उसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है. सो नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो टू टाइप के होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज.
टू टाइप के होते हैं, एक जो है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा जो है वो नेगेटिव होता है। इसका इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लूड, चलो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सिखा ही होगा, तो आज उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अपोजिट चार्ज और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलर चार्ज यानी कि देखो मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सॉरी इनके बीच अट्रैक्शन होगा, राइट। सिमिलर चार्ज रिपल इच अदर यानी कि दो चार्ज है ठीक है वो सिमिलर है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज रिपल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिपल नेगेटिव चार्ज, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज है या दो नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे से क्या हो गए, रिपल हो गए, रिपल हो गए यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। जैसे मैग्नेट के अंदर होता है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच, ओके आपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा ही होगा। ऑल द मैटर कंटेंट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड प्रोटॉन, जो भी मैटर है ठीक है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो कंटेन करते हैं उसे प्रोटॉन कहा जाता है, एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। प्रोटॉन को कुछ इस टाइप से डिनोटेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम इस टाइप से डिनोटेट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका एसआई यूनिट जो है वो कूलम है, विच डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल सी, उसे कैपिटल सी से डिनोटेड किया जाता है। एन इलेक्ट्रॉन पासेज अ नेगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम वेयर अ प्रोटॉन पोसेस पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक नंबर दिया गया है हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कितने पार्टिकल्स जो है वो मोशन कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो आगे का हमारा नया टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ओके। डेफिनेशन और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, चलो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में जरा देखते हैं। तो कंडक्टर क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं हम। दिस सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस हो ठीक है, मान लो ये कोई सब्सटेंस है ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो वो जो फ्लो हो रही है उसे कहा जाता है, अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से पास हो जाए तो उसे कहते हैं हम कंडक्टर कहते हैं, राइट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम देख लेते हैं। ऑल द मेटल लाइक सिल्वर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये जितनी भी मेटल्स है सिल्वर है कॉपर है एल्यूमिनियम है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। कार्बन इन अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट ठीक है, इज ऑल्सो कंडक्टर, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। मोस्ट ऑफ आपने मेटल नॉन मेटल के अंदर पढ़ा होगा कि नॉन मेटल जो है ठीक है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है यानी कि पुअर कंडक्टर है, बट कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट एक ऐसा फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। द ह्यूमन बॉडी इज फ्रेली गुड कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ठीक है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो कभी भी झटका लग सकता है, राइट। इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं, इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। दिस सब्सटेंस थॉट विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि कोई सब्सटेंस है ठीक है, मान लीजिए ये सब्सटेंस है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास ही नहीं हो रही है ठीक है, यानी कि फ्लो ही नहीं हो रही है, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर हुआ, मतलब कि वो इंसुलेटर हुआ। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ग्लास रबर मोस्ट प्लास्टिक पेपर ड्राई वुड और बेकेलाइट एक्सेट्रा, इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। तो ठीक है
हमें पता चल गया कि कंडक्टर क्या है और इंसुलेटर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि भाई गुड कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, क्योंकि वो तो पता ही होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कहाँ से होगी और कहाँ से नहीं होगी। चलिए तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट उसका डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी देख लेंगे। चलो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने देख लिया, राइट? अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं, इसका डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज द नेट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका नेट अमाउंट है दैट पास थ्रॉट एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट टाइम में मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर से यूनिट टाइम के अंदर जितना इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो हो जाए उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ओके चलो तो इलेक्ट्रिक करंट में आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चलो आगे हम कुछ कोई बातें हम आगे करना भूल गए हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्यू जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोटेट करते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम है, जिसे हम सी से, कैपिटल लेटर सी से हम उसे डिनोटेट करते हैं। चलो यहाँ पे बताया गया है कि आई क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक करंट। आई जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टी क्या है? हमारा टाइम है। तो सभी को किस सिंबल से डिनोटेट किया है वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है। इट्स ऐसा यूनिट कूलम पर सेकंड, ठीक है? अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हम फाइंड करें तो वो हमें क्या मिलेगा? कूलम पर सेकंड मिलेगा, या फिर उसे एम्पियर्स भी, एक ऐसा यूनिट है उसका जो एम्पियर भी हम उसे ले सकते हैं। तो चलो एम्पियर क्या है? एम्पियर, एंड्रे एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है वो रखा गया है। एम्पियर के बारे में देखते हैं। 1 एम्पियर इज कंसिड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। यानी कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे? अदरवाइज कोई इंसुलेट कोई सब्सटेंस है उसके अंदर से पर टाइम में 1 कूलम जितना चार्ज जो है वो फ्लो हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे, ठीक है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 कूलम बाई 1 सेकंड ले सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पे स्मॉल यूनिट जो है, ठीक है, स्मॉल ऐसा यूनिट जो है वो बताए गए हैं। हाँ वो कौन कौन से है? एक तो मिली एम्पियर है, दूसरा माइक्रो एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10^-3 एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10^-6 एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल ए मीटर मेजर इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। देखो अदरवाइज कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर से कितना एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो हमें जानना है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इसके साथ अटैच किया जाता है जिसका नाम है एमीटर, ठीक है? एमीटर क्या करता है कि कोई भी सर्किट है वो उसके अंदर हम कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं वो हमें मेजर करके देती है। इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन द सीरीज इन द सर्किट थ्रॉट विच करंट इज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि उसके अंदर हमें मोस्ट ऑफली सीरीज में लगाया, वो सीरीज में ही हमें कनेक्ट करना पड़ता है, राइट? यानी कि ए मीटर को हमें ऑलवेज सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सीरीज में हम उसे कनेक्ट करेंगे तो ही वो मेजर कर पाएंगे। चलो एक फिगर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यह हमारा एक बल्ब है, यह हमारी बैटरी है, और ये रहा हमारा एमीटर, राइट? ओके तो देखिए यहाँ पे सीरीज में करंट कुछ पॉजिटिव टू नेगेटिव इस टाइप पे, इस रेंज में फ्लो होगा, ठीक है? एमीटर
इस प्रकार से होगा। ए मीटर को इस प्रकार से डिनोटेट किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।